अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज्ञान है और आप देख रहे हैं IZ Vlogs। आज हमने ट्राई किया है इंडियन ऑल यू कैन ईट। ये है तंदूरी महल जो कि फ्रैंकफर्ट में है। दिस बुफे ओनली कॉस्ट 9.90 यूरो। नान एंड राइस आर आल्सो इंक्लूडेड। दे ऑफर अ वैरायटी ऑफ फूड, चिकन कड़ाही, चिकन मैंगो, दाल तड़का, पालक पनीर एंड ऑल्सो डिफरेंट डिजर्ट्स लाइक गुलाब जामुन। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की हैं एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो लेट्स बिगिन। तो मैं इधर पहुंच गया हूँ, ठीक है। मेरे पीछे आप देख सकते हो तंदूरी महल, ये है वो ऑल यू कैन ईट, इंडियन ऑल यू कैन ईट, ठीक है। इधर फ्रैंकफर्ट में है और इधर बाइडिंग की टेरेस भी है, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो इसलिए ये बंद की गई हुई है। और जब थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो तब ये इधर ऑब्वियसली इसको फिर ओपन कर देंगे। अभी बस अंदर बैठने का सिस्टम है, अभी अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो इन्होंने, ये हलाल है, हलाल सर्टिफिकेट है, यानी कि कोई मसला नहीं है। हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये रेस्टोरेंट अभी हमने रिसेंटली खोला है, लगभग 3 मंथ इसको हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं खाने के लिए, बहुत बड़ा मेन्यू कार्ड है, उसमें वेजिटेरियन वेगान ऑप्शंस हैं। और बुफे में हमारा जो है ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक जो है कि दोपहर 11:30 से 2:30 बजे तक, तो एवरीडे हमारा जो है मेन्यू वो चेंज होता रहता है। तो उसके साथ में साइड डिशेज जो है, डेसर्ट हो गया, सलाद है, डिफरेंट सॉसेस हैं और नान रोटी भी है, और जो है वो अनलिमिटेड है। तो केवल 9.90 यूरो में ऑल यू कैन ईट। तो एक बार आइए, ट्राई कीजिए, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी इधर अंदर हूँ, ठीक है। ये देखो बड़ा शहर ने इधर डेकोरेट किया हुआ है और बिफे, इनका जो बिफेट का सिस्टम है सारा इधर पीछे में लगाया हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले इधर, ठीक है, ये चावल है, ठीक है, नॉर्मल बॉइल हुए हुए चावल, ओके। साथ इधर ये दो चिकन की डिशेस, ठीक है, और ये दो वेज डिशेस, ओके। और इनका जो मेन्यू होता है ये हर रोज़ डिफरेंट होता है, ठीक है, यानी कि ये एक दिन इनके मेन्यू में और कुछ होता है और दूसरे दिन ये होता है, ठीक है। आज जो इनके मेन्यू में, ठीक है, चिकन कड़ाही, चिकन मैंगो, दाल तड़का और पालक पनीर, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा क्लोजली दिखा दूँ, ओके। देखो ये इनकी चिकन कढ़ाई है, सही क्रीमी और चिकन से बनी हुई कढ़ाई, ओके। और ये चिकन मैंगो, ये भी बहुत ही क्रीमी है, ठीक है, और अंदर चिकन के पीसेस इन्होंने रखे हुए हैं, ओके। और बाद में इधर वेज डिशेस आ जाती हैं, ठीक है, ये दाल तड़का है, बाद में पालक पनीर, ठीक है, और इनका ये एक सेक्शन है और दूसरी साइड पे इनका ये एक सेक्शन है, ठीक है। इन्होंने इधर नान रखे हुए हैं, ठीक है, और इधर नान आते रहती हैं, यानी कि जब ख़त्म हो जाते हैं वो पीछे से और ला के इधर लोड कर देती हैं। सैलड, ये इधर इन्होंने मिंट सॉस रखी हुई है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनी, मिक्स्ड पिकल, यानी कि ये इसके अंदर आई थिंक अचार इन्होंने डाली हुई है, और ये एक्स्ट्रा हॉट है, इधर उन्होंने एक्स्ट्रा हॉट इसलिए रखी हुई है जो जर्मन लोग हैं, यानी कि जो हम देसी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, ठीक है, तो ये उनके लिए एक्स्ट्रा इन्होंने इधर रख दिया है। जिनको पसंद है हॉट चीज़ें तो वो ये ले सकती हैं। बाद में ये ग्रीन सॉस, ठीक है, ये मीडियम स्पाइसी है, गुलाब जामुन भी है, ये एंड पे हम खाएँगे, और ऑब्वियसली रायता, रायता तो होना चाहिए, ठीक है। देखो क्रीमी चिकन कढ़ाई, ये एक दफ़ा प्लेट पर डाल लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी सी सॉस भी डाल लेता हूँ, ओके। ये चिकन मैंगो भी ट्राई करते हैं, क्रीमी क्रीमी, देखो कैसे गिर रही है सॉस इसकी, ये भी ले लेती हैं, ठीक है। ये देखो इसको भी मैं साइड पर रख लेता हूँ, इसको मिक्स नहीं होने देना क्योंकि टेस्ट फिर मिक्स हो जाएगा। ये खोल लेती हैं इधर, अभी हम इनकी जो चिकन की डिश है वो ट्राई करते हैं और एंड पे जो वेजिटेरियन डिश है वो ट्राई कर लेंगे। ये
इन्होंने इधर छोटी छोटी ये कोरियाँ भी रखी हुई हैं, ये स्पेशली चटनी के लिए है। अभी मैं सारी तो नहीं इसके अंदर डाल सकता, पहले मैं नॉर्मल ये मिंट चटनी के साथ स्टार्ट करता हूँ। गर्मा गर्म नान भी आ गई हैं और अब ट्राई करते हैं, मुझे भूख लगी हुई है। तो अब हम ट्राई करेंगे, पहले मैं चावलों के साथ करूँगा ट्राई और बाद में एंड पे नान के साथ भी। ओके, पहले एक मैं स्पून भर लेता हूँ चिकन कढ़ाई एंड राइस। देखो ये भी खा लिया। ओके, क्या बात है, जो परफेक्शन की डेफिनेशन है ना, ये वो है। ठीक है, एक ऑर्डर पर ट्राई करते हैं चावलों के साथ, एक और पर इतना बना रहता हूँ क्योंकि अच्छा बना हुआ है। क्या बात है, चिकन टेंडर है अंदर से और जो सॉस है इसकी सही, इन्होंने माइल्ड बनाई हुई है। ठीक है, और जो टमाटर का टेस्ट है वो आ रहा है अंदर से सही, जूसी चिकन। ठीक है, और चावलों के साथ क्या कॉम्बिनेशन इसकी बनती है, सॉस बहुत अच्छी है इनकी, और जो चिकन है क्या बात है, सही माइल्ड। अभी मैंने ये चिकन कढ़ाई इनकी टेस्ट की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुंह में स्पाइसेस की एक्सप्लोजन हो रही थी। ठीक है, अभी ये इनकी मैंगो चिकन ट्राई करते हैं। ठीक है, और ये दिखने में तो बहुत ही क्रीमी लग रहा है, क्रीमी क्रीमी सॉस है इसकी, ये देखो कैसी गिर रही है। और जो चिकन है ये भी बहुत ही टेंडर है। ठीक है, ये देखो वाइट चिकन, इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं। पहले मैं इसकी जो सॉस है ना वो ट्राई करूँगा। ओके, मुंह में ऐसे पिघल रही है जैसे दही नहीं होता, वैसे ही अंदर जा रही है, काफ़ी क्रीमी है और जो टेस्ट है वो सच में मैंगो की तरह का आ रहा है। इसको मैं एक दफ़ा चावलों के साथ ट्राई करता हूँ। ओके, लोड कर लिया चावलों के साथ। ओके, ये है यार क्या कॉम्बिनेशन बन रही है। मैं पहली दफ़ा चिकन कि मैं ना मैंगो चिकन खा रहा हूँ और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना वो फुलफिल हो गई है। ओके, एक और फाइव इनका ट्राई करते हैं, बहुत ही क्रीमी चिकन है। क्या बात है, मज़ा आ गया। जो सॉस है कि मुझे बहुत पसंद आई है, मैं एक मैंगो का फ़ैन हूँ इसलिए मुझे पसंद आया है। क्या बात है, एक मेरे दिमाग प्लान आया। ठीक है, इन दोनों को ना मिक्स करके अब खाते हैं, यानी कि चिकन कढ़ाई और चिकन मैंगो को एक दफ़ा मिक्स करती हैं। ठीक है, और देखते हैं किस तरह का टेस्ट आता है, यानी कि कंबाइंड। ओए भाई, यानी कि कंबाइन करके ना मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि ये कौन कौन सी स्पाइसेस की एक्सप्लोजन हो रही है मेरे मुंह में। और अब ये मैं नान के साथ ट्राई करता हूँ, ये है इनका नान, सही क्रिस्पी नान जैसे मुझे पसंद है। ठीक है, देखो, और इसको पहले कढ़ाई के साथ मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये चिकन का पीस है, एक बाइट में बना लेता हूँ। ये देखो ट्राई करती हैं। यानी कि जो नान के साथ कॉम्बिनेशन बन रही है ना वो बहुत ही डेडली है। एक और दफ़ा ट्राई करती हैं, ये उतार लेती हैं नान, देखो कितना शाइनी शाइनी नान है। ठीक है, तो एक और दफ़ा इसके साथ ट्राई करती हैं। अभी तो मैंने चिकन कढ़ाई और चिकन मैंगो खा लिया। ठीक है, अभी इनकी हम वेज डिशेस ट्राई करते हैं। ओके, जो कि वेज डिशेस हैं दाल तड़का एंड पालक पनीर। ओके, पहले मैं दाल तड़का डाल लेता हूँ अंदर, देखो इतने मज़े की लग रही है, एक बार ये फिल कर लेता हूँ। पालक पनीर
वैसे मैंने पनीर कभी भी नहीं खाई हुई, पालक खाई हुई है लेकिन पनीर नहीं, तो इसलिए एक नई एक्सपीरियंस मेरे लिए होगी। देखो यार ये नान कितने शाइनिंग है। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं किससे स्टार्ट करूं, पालक पनीर या फिर दाल तड़के से। आई थिंक मुझे पालक पनीर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं ट्राई किया। ठीक है, इनका नान पकड़ लेते हैं। देखो कितना शाइनी है यार और क्रिस्पी। इसका मैं एक बिग पीस उतार लेता हूँ। ठीक है, ओके मैंने पीस उतार लिया है और पालक के साथ इसको बांट लेते हैं। ओके पनीर एंड पालक। देखो यार इनकी पालक ये पनीर क्या बात है। सही, इन्होंने ना क्रीमी बनाई हुई है, यानी कि जो इसकी वो लुक है ना बहुत ही क्रीमी लग रही है। ओके बांट लेते हैं एक दफ़ा। ओए यार कितनी क्रीमी है, यानी कि मैंने नान के अंदर डालने की कोशिश की है, ये सारी स्लिप हो गई है। ठीक है ये बना ली है। देखो पालक पनीर क्या बात है यार। ये पनीर है, ओके ये मैं ट्राई करता हूँ। चीज़ी मज़ा आ गया, यानी कि एक हाथ के साथ खाना सिर्फ प्रोफेशनल कर सकते हैं। ओके ये है कि पालक पनीर। क्या बात है, मज़ा आ गया। मेरी मुंह में जाकर मेल्ट हो जाता है और जो पनीर है वो दही की तरह टूट जाती है मुंह में। चीज़ी है बहुत। अब इनकी मैं ना सेकंड डिश ट्राई करता हूँ, जो सेकंड वेज डिश है दाल तड़का। ये दाल है और इसको तड़का लगा हुआ है, प्याज है अंदर और काफ़ी चीज़ों का तड़का लगा हुआ है इसको, टमाटर है। ठीक है इसकी भी एक बिग नान के अंदर बांट लेते हैं बिग बाइट। ये देखो यार जो दालें होती हैं ना, यानी कि जो वेज चीज़ें होती हैं, जैसा कि आई थिंक उनका नान के साथ ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए मैंने नान लिया है। ओके एक और इसकी बाइट बनाती हैं। देखो कितनी क्रीमी, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही मज़े की है, क्रीमी है, जूसी है और जो नान है वो शाइनी है। यार तो अभी मैं तो इधर ऑल यू कैन ईट पे हूँ और इसका ये नहीं मतलब कि मैं अब खाना छोड़ दूंगा, अभी मुझे और भूख लगी हुई है, मैं अभी और खाना लेता हूँ जाके उधर और एंड पे मिलते हैं। एंड पे मैं आपको एक अच्छी तरह की रिव्यू दूंगा। योगर्ट सॉस है, ये भी एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर पाकिस्तानी होते तो रायता बोलते हैं इसको। इसके अंदर इन्होंने खीरे डाले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो ये दफ़ा ट्राई करती है। हाँ अंदर इसकी ज़ीरा डला हुआ है, योगर्ट और खीरे। अभी मैंने खा लिया। ओके अब इनके डिज़र्ट भी खाने को बहुत दिल कर रहा है और गुलाब जामुन है वो ट्राई करते हैं। सिरप से भरा है। अभी मैं वापस घर आ गया हूँ। ठीक है घर नहीं, यानी कि मैं अपने एरिया में हूँ अब। ओके और मुझे खाना उनका बहुत पसंद आया था, वैरायटी है उनके पास चिकन एंड वेजिटेरियन, यानी कि सब के लिए कुछ ना कुछ है उधर जो खा सकती हैं। साथ नान था, चावल थे और चटनीज थी, एंड पे मीठे का भी उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है उधर। गुलाब जामुन थे आज और हर रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा, यानी कि वैरायटी बहुत है उनके पास। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।